बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज असी तुहाडे वास्ते बहुत जबरदस्त रेसिपी लेके आए हैं घर च, जिहड़ियां तुसीं दही फुलकियां बाजारों खरीदते जे तो आराम नाल घर च बना के ईजी तुसीं खुली इस्तेमाल कर सकते जे। बाजार बनियां बहुत महंगियां पैंदियां ने। ऐसी एक कप तो देखो किन्नी फुलकी बनावांगे। सिर्फ सानू चाहिए बेसन, ये कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ए बेसन एक कप है, तुसीं एक प्याली ले लो जो तुहाडे को क्वांटिटी है। ये अद्धा चम्मच असी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, जड़ा भी तुहाडे को अवेलेबल है और तुसी ये डाल सकते थे। अद्धा चम्मच असी बेकिंग सोडा ये डालेंगे, अद्धा चम्मच डाल के इनू मिक्स कर दो। इनू रखीदा नहीं हुंदा, इनू फौरन ही तुसी पानी थोड़ा जिहा कोसा नीम गर्म ले लो तो उहदे नाल असी इनू मिक्स करके तो फुलकियां बना लेंगे। सब तो पहले पानी ले लो, इन्ना क रहना जी ये, यानी कि इन्हू गुन्ना नहीं है, पतली जी यदि है डो बना लेनी है। कभी भी किसी चीज से उसी जो सोडा डालोगे तो उन्होंने फौरन ही बना लेना, कभी भी इनू रखना ना, वरना वो तुहाडा जिहड़ा बैटर या जो कुछ भी बनाओगे वो खराब हो जाएगा। इस तरह पतला जिहा लिक्विड जिहा तुसी बना लो। अच्छी तरह तुसी इनू बीट करना ताकि कोई लम्स इहदे विच ना रहे, दाना वगैरह कोई चीज ना रहे। देखो यह बैटर रेडी हो गया है, तुसी इस तरह का बैटर रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। देखो जो तो नीचे गिरे तो अभी शेप च होगा इंशाल्लाह। ऑयल असी गर्म कर लिया है, हूँ बनाना तुम दिखाने। देखो यह वाली कड़छी है, कड़छी हर घर च मौजूद होंगी है, छोटी भी वड्डी भी, तो तुसी इनू हल्का जो ऑयल लगाओ, लगा के उस तो बाद एक एक चम्मच भर के ये उत्ते डालो। डाल के तुसी ये देखो, अगर हाथ का इस्तेमाल करना है तो इस तरह ये बैटर डालो, तो हाथ के नाल तुसी उंगलियां की मदद के नाल तुसी डाल सकते हो। इस तरह उंगलियां के पोटे लैके इनू हल्का पानी ला के इस तरह देखो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते थे। या तुहानू जरा डर है कि ऑयल का छिट्टा वगैरह ना पै जाए तो तुसी आराम नाल फिर इहदा चम्मच का इस्तेमाल कर सकते थे। देखो माशाल्लाह कितनी जबरदस्त साड़ियां तैयार हो रही ने। आराम ना घर च दही पल्ले बनाओ अपनी मर्जी दे नाल, ज्यादा पालो घट पालो। आंच नूं तेज करके बस इन्हों जल्दी जल्दी बनाते जाओ, जड़ी जड़ी जुड़ गई उन्होंने अलहदा कर दो। देखो माशाल्लाह नाल कलर आने लग पे, सेम बाजार वाली का लुक आ रहा है। बाजारों इन्नी इन्नी महंगी तुसी खरीदते जे, अजकल दे महंगाई जी दौर च ते इंसान नूं वारा ही नहीं खांदा कि इंसान बाहरों कोई ज़्यादा मिकदार च चीज़ ही ले ले। ते घर दा बनिया होया तो अलहमदुलिल्लाह सब तो बेस्ट हुंदा, उह तुहाडे अपने हाथ की बनी हुई है, तुसी जिन्नी मर्जी मिकदार च रमज़ान वास्ते बना लो। रोज़ बच्चे पसंद करते ने, दही फुलकियां तो वैसे भी हल्की जी गज़ा है, नहीं भी किसी टाइम दिल करदा आराम नाल तुसी इहदे विच दही प्याज टमाटर डालो, ने अगर आलू उबले हुए है ने तो वो डाल लो, तो साड़ियाँ दही फुलकियाँ बाजार वाली तैयार ने। चाट मसाला पाओ, नमक तो सुरख मिर्च पाओ। ए देखो जी ए साड़ियाँ हूँ तकरीबन रेडी ने, इन्हें थोड़ा जहा होर असी पका लें बिच।
मक्के का बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि रमजान शरीफ है तो बेसन हर घर मौजूद होंगे, वैसे भी बेसन हर वक्त घर मौजूद ही होंगे, तो तुम आराम नाल ये वे जड़े ने पले भी बना सकते हो। जो तुम अगर इस तरह बारीक बूंदियां नहीं डालनियां तो तुम चम्मच की मदद न तुसी बड़े बड़े बल्ले जड़े ने वह बना के रख लो, फ्रीज कर लो, जो भी खाना है घंटा डेढ़ घंटा पहले फ्रीजर चो निकालो तो आराम ना उन्होंने अपने दही के डाल के दही पल्ले खा सकते थे। इन हम निकाल लें, देखो जी अलहमदुल्ला रेडी ने, तो इन्होंने बस इस तरह डाल डाल के निकालते जाओ। एक बॉल ले लो, डाल जाओ, डाल के जरा के इन्हें ठंडा करो तो फिर तुम इन बंद करके डब्बे या जार सेव करके तो किचन च रख लो। यह खराब नहीं होगा, तकरीबन पूरा रमजान शरीफ का महीना चल जाएंगे, खत्म हो जाए होर बना लो। इस तरह होममेड जड़ी है फुल्की माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन गई है, तुसी बनाना तो जरूर ट्राई करना। इसे तरह असी होर पा लें, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करना, तो नए आने वाले व्यूवर्स को दरखास्त है कि बैल का बटन जरूर दबाओ ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ताड़े तक बासानी पहुँच सकन, तो अपन दुआवां सानू जरूर याद रखना। अल्लाह पाक ताड़े सब की खैर करे, तुम सबनों अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।